हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैक की एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी F04 में आप किसी भी ऐप को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F04 में किसी भी ऐप को हाइड और अनहाइड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में होम स्क्रीन पर कहीं भी खाली जगह पर लॉन्ग प्रेस करना है। एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी, आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स ऑन होम स्क्रीन की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सभी ऐप्स शो हो जाएंगी। आपको जिस भी ऐप को यहाँ से हाइड करना है, आपको सिंपली से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एंड देन नीचे डन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक किया एंड देन डन पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर हाइड हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेटर था वो हाइड हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए मैं अब आपको इसे अनहाइड करके दिखा देती हूँ। आपको फिर से यहाँ पर खाली स्क्रीन पर कहीं भी लॉन्ग प्रेस करना है, देन सेटिंग्स। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर हाइड ऐप्स ऑन होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जिस भी ऐप को अनहाइड करना है, आपको सिंपली उसके ऊपर बने हुए इस माइनस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन डन पे क्लिक कर देना है, तो जो ऐप है वो अनहाइड हो जाएगी। चलिए मैं आपको होम स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलकुलेटर अनहाइड हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपने फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी F04 में किसी भी ऐप को हाइड और अनहाइड कर सकते